नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी देने वाली रंजना सिंह को पुलिस ने उनके घर जाकर के गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ सुधीर बांडा के ऊपर विगत 9 दिसंबर को अभद्रता के मामले में कोई कार्रवाई न होने से नाराज रंजना सिंह ने व्हाट्सएप के माध्यम से खबर फैला करके कहा था कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर जाकर के सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया गया कि जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में पुख्ता सबूत नहीं हो तब तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और रंजना सिंह के द्वारा मौखिक तौर पर ही शिकायत की जा रही है और पुख्ता सबूत के मामले में रंजना सिंह के पास कोई भी सबूत नहीं मौजूद है। वहीं रंजना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्हें महिला थाना में बैठाया गया है, वहीं उनके पति को सिविल लाइन थाना में बैठाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, मैं रंजना सिंह बघेल। बीते 9 दिसंबर को डीपीसी सुधीर बांडा द्वारा कलेक्ट्रेट में मेरे साथ बदतमीजी व दुर्व्यवहार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई व FIR न होने के कारण कल सुबह 11 बजे मैं SP ऑफिस के सामने आत्मदाह करूंगी। श्रीमती रंजना बघेल ने अपने ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर के आज सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मदाह करने की धमकी दी थी और इस धमकी के चलते जो है उनको उनके घर से अभी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके पश्चात जो उचित कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप है कि वो किसी अधिकारी से मिलने गई थी, कोई सुधीर नाम के अधिकारी है, उनने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी जाँच हो रही है। जाँच के उपरांत अभी थोड़ी देर बाद निर्णय लिया जाएगा। हिरासत में कोई आदमी मरने जा रहा है, किसने धमकी दी है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो उसको रोकना हमारा कर्तव्य है और इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया है। सर, नहीं, ये ऐसा कारण नहीं है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा सच्चाई क्या है उसमें। जब तक किसी के खिलाफ आरोप की सच्चाई साबित नहीं होती तब तक कार्रवाई नहीं की जाती है। किसी भी धमकी में आगे हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, हम लोग जाँच करते हैं। मुझे लगता है कि इनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया है तभी इन्होंने उसने उनके खिलाफ कोई साक्ष्य दिया नहीं है। इनके बयान के अलावा वहाँ और बहुत से लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी इनके आरोपों की पुष्टि नहीं की है। जब तक इनके आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तब तक हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं रंजना सिंह बघेल। मेरे साथ टोटली दबाव बनाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड को सिविल लाइन थाना में बैठाया गया है, मुझको महिला थाना में बैठाया गया है और यहाँ पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपना आवेदन वापस लूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन से लगातार मुझे दबाव बनाया जा रहा है। मैं अपने बेटे के साथ सिविल लाइन महिला थाना में बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड को सिविल लाइन थाना में बैठाया गया है और टोटली दबाव बनाया जा रहा है। प्लीज़ प्रशासन से कहिए कि मेरी मदद करे। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।